हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा बेल्ट के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों अभिकेंद्रीय त्वरण। जी हाँ दोस्तों, अभिकेंद्रीय त्वरण। और जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, इस अभिकेंद्रीय त्वरण का जो व्यंजक होता है, वो सूत्र होता है, वो भी हम दोस्तों आज की वीडियो में आपको निकाल के बताएंगे। तो दोस्तों, जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। तो दोस्तों, ये चीज तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, जैसे मान के चलो कोई पिंड है, इस ये जो आपको दिख रहा है ना, इस निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर है ना गति करता है, उसके चारों ओर, या फिर ऐसा कहे कि जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, तो इसकी इस गति को क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति बोलते हैं। ये तो आप जानते हो, ये आपकी कौन सी गति होती है? वृत्तीय गति होती है, जानते हो ना ये तो आप, ठीक है। लेकिन एक बात और जानते हो दोस्तों, कि जो वृत्तीय गति होती है, कौन सी गति होती है? जो वृत्तीय गति होती है, इस वृत्ति गति में जो चाल होती है, क्या होती है? चाल। वो चाल तो कैसी होती है साहब? नियत होती है। क्या होती है? नियत होती है। मतलब ऐसा कहें कि जो वेग होता है, वेग का परिमाण, ठीक है, वेग का क्या मेरे भाई? परिमाण, ठीक है, परिमाण, ठीक है, वेग का परिणाम परिमाण अर्थात जो चाल होती है वो तो नियत रहती है। लेकिन यहाँ पर ये जो वृत्ताकार गति होती है, इस वृत्ताकार गति में जो वेग की दिशा होती है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। मतलब कहें तो वेग की दिशा, देखो यहाँ पर स्पर्श रेखा ये है, मतलब यहाँ पर वेग की दिशा ये है, लेकिन यहाँ पर देखें वेग की दिशा तो ये होगी, यहाँ पर देखें तो ये होगी, यहाँ पर देखें तो ये होगी। मतलब ये कहें कि जो चाल, जो वेग का परिमाण अर्थात जो चाल होती है वो तो नियत रहती है, लेकिन वेग की जो दिशा होती है, वेग की जो दिशा होती है वो आपकी परिवर्तित होती है। कैसी होती है? परिवर्तित होती है। मतलब यहाँ पर वेग की दिशा जो है ना परिवर्तित होती रहती है, प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा परिवर्तित होती है। इस बिंदु पर अलग है, इस बिंदु पर अलग, इस बिंदु पर अलग, देखो प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा क्या है? अलग अलग होती है। अब मेरे भाई, वेग की दिशा अलग अलग होगी, वेग जब परिवर्तित होगा तो वेग में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा मेरे भाई? त्वरण उत्पन्न होगा। अब त्वरण उत्पन्न होगा तो जो त्वरण उत्पन्न होता है, वो त्वरण जो होता है, उस त्वरण की जो दिशा होती है वो कहाँ की ओर होती है? केंद्र की ओर होती है। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये वेग परिवर्तित है, तो इस वेग की दिशा अलग है, उस वेग परिवर्तित वेग के कारण यहाँ पर एक त्वरण उत्पन्न होगा जो कहाँ की ओर होगा? केंद्र की ओर होगा। यहाँ पर वेग की दिशा अलग है तो यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो अलग होगा, और वो भी कहाँ की ओर होगा? केंद्र की ओर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस वेग परिवर्तन के कारण इसमें, इस गति में एक त्वरण उत्पन्न होता है, जो वृत्तीय गति होती है, इस वृत्तीय गति में वेग परिवर्तन के कारण एक जो त्वरण उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा कहाँ की ओर होती है मेरे भाई? केंद्र की ओर होती है। कहाँ की ओर होती है? केंद्र की ओर होती है। और ये जो त्वरण होता है, यही त्वरण आपका अभिकेंद्रीय त्वरण या सेंट्रीफ्यूटल एक्सीलरेशन कहलाता है मेरे भाई। इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा याद क्या रखोगे, क्या याद रखोगे? जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है, तो वृत्तीय गति में जो वेग का परिमाण अर्थात चाल तो नियत रहती है, किंतु वेग परिवर्तन की दिशा हमेशा, या फिर ऐसा कहें कि वेग की दिशा हमेशा बदलती रहती है, जिसके कारण केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। और इसे जो है ना, जो आपका अभिकेंद्रीय त्वरण है, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो एक्सीलरेशन का आपका कैपिटल स्मॉल ए ले लेना, स्मॉल ए, और आपका सेंट्रीपिटल का ले लेना सी, मतलब इसको स्मॉल ए सी से व्यक्त करते हैं। ई लाइन इसमें ऐड कर लेना, व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं।
ठीक है ना दोस्तों। अब जो आपका एसी जो है, सेंट्रीपिटल जो आपका एक्सीलरेशन है, इसका आपको क्या करना है, सूत्र निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, सूत्र निकालना है। ठीक है, तो मतलब ऐसा भी कहें कि इसका जो है ना, हमें क्या करना है, व्यंजक स्थापित करना है। तो आइए इसका हम व्यंजक देख लेते हैं। तो इसका व्यंजक स्थापित हम करेंगे, तो दोस्तों व्यंजक जो है ना, हम किसी अन्य की हेल्प से व्यंजक स्थापित करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं रेखीय वेग और जो कोणीय वेग है, इसमें संबंध क्या होता है। तो हमने पिछली वीडियो में ही बताया था, तो इसमें जो संबंध होता है वो क्या होता है, वी बराबर ओमेगा आर। ये आपका रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या होता है, संबंध होता है। तो इसको दे दो आप समीकरण नंबर दो, सॉरी सॉरी समीकरण नंबर एक। आगे हम दोस्तों क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण है, इस समीकरण का हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो टी के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष करने पर मेरे भाई, अवकलन करने पर। तो दोस्तों अवकलन आपको पता ही है, अवकलन के लिए जो हमारा साइन होता है वो क्या होता है आपका, d अपॉन dt। यदि t के सापेक्ष करते हैं तो अवकलन का साइन हमारा ये होता है। तो अवकलन हम इसका करेंगे, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, d अपॉन dt लगा देंगे v में। तो ये हो जाएगा हमारा dv अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ओमेगा है ना, हमारा कांस्टेंट में चला जाएगा, ये ओमेगा कांस्टेंट में चला गया। अब इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा dr/dt। एनी प्रॉब्लम? देखो यहाँ पर भी का किया, देखो हम यहाँ पर यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा dv/dt। ये ओमेगा बाहर हो गया और ये आपका आ गया dr/dt। इतना आपको समझ में आ गया। आगे हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और आगे क्लियर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखो ये क्या है, आपको dv/dt दिख रहा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, ये जो आपको dv/dt दिख रहा है, ये क्या है मेरे भाई, ये आपका क्या है, वेग में परिवर्तन। ठीक है, और जो वेग में परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। जो वेग में परिवर्तन होता है, ये वेग में परिवर्तन है, और वेग में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा त्वरण होगा वो आपका कौन सा त्वरण है, क्योंकि हमारी ये जो वृत्तीय गति चल रही है, और वृत्तीय गति में एक जो त्वरण उत्पन्न होता है वो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, जिसको हम परिभाषित कर चुके हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण करते हैं, लेकिन त्वरण यहाँ पर क्या होगा, आपका अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, जिसको हम एसी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलो अब ये dr/dt क्या है, तो ये dr/dt, तो देखो ये क्या है हमारी दूरी है ना, मतलब दूरी, और ये क्या है हमारा समय। तो ये आपका दूरी बटे विस्थापन, सॉरी सॉरी, या फिर दूरी मतलब ये दूरी में परिवर्तन, दूरी में देखो डी क्या बता रहा है, परिवर्तन, तो ये दूरी में परिवर्तन है। अब दूरी में परिवर्तन मतलब विस्थापन, तो विस्थापन बटे समय है, और विस्थापन, ये विस्थापन बटे समय, और विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है। तो यहाँ पर हम ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ए सी। तो ये रहा हमारा ए सी बराबर, ये हमारा रहा ओमेगा, क्या रहा मेरे भाई, ओमेगा। और ये dr/dt की जगह क्या रख सकते हैं, हम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है दोस्तों? तो यहाँ से हमारा ये जो है ना, वो समीकरण बन चुका है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, आगे हमारा देखो, हमारा AC बराबर ओमेगा भी आ चुका है, और समीकरण एक से हम भी का मान प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, समीकरण एक से भी का मान क्या है, भी बराबर क्या है, ओमेगा आर है ना। तो हम यहाँ से लिख देंगे, समीकरण एक से भी का मान रखने पर, भी का मान रखने पर, ठीक है, तो ये हमारा हो गया AC, और ये हमारा रहा ओमेगा, और वी का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा आर। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा 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 स्क्वायर, और ये हमारा आर। ठीक है ना, इतना आप समझ गए। अब हम एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाते हैं है ना, तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा संबंध जो है ना, या फिर हम ऐसा कहें कि ये जो व्यंजक है वो आ चुका है, AC बराबर ओमेगा आर। लेकिन दोस्तों एक और आपको चीज़ बता रहे हैं, कभी कभी आपसे ये ना पूछ के और भी पूछता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जो आपका समीकरण एक है, यदि हम समीकरण एक से ओमेगा की वैल्यू निकालें, तो आर को हमें कहाँ भेजना पड़ेगा, भी के बटे में। तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, भी अपॉन आर हो जाएगा, बोला हो जाएगा ना, भी अपॉन आर हो जाएगा।
तो यहाँ से आपका जो भी प्राप्त हुआ है उसमें हम जो ओमेगा की जो वैल्यू हमने प्राप्त की है वो रख देंगे। तो यहाँ से अगर इसको आगे बढ़ाना है, यदि इसको आपको आगे बढ़ाना है तो क्या लिख दोगे आप, क्या लिख दोगे, ओमेगा का मान रखने पर, ओमेगा का मान रखने पर, जब हम ओमेगा का मान इसमें रख देंगे तो ये हमारा एसी और ये एसी, और ओमेगा का मान कितना है मेरे भाई, ओमेगा का मान है हमारा, ओमेगा की जगह रख रहा है ये ओमेगा है, ओमेगा का मान क्या है, वी अपॉन आर, बट इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे और ये हमारा रहा आर, ठीक है ना। आगे बढ़ो तो ओ आगे बढ़े दोस्तों, ये आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, इसको हम ऊपर करेंगे ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये तो हमारा रहा ए सी, ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर और ये हमारा आर स्क्वायर और ये हमारा आर, तो एक आर से एक आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, जब हमारा एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा ए सी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये जो है ना हमारा सूत्र निकाल के आ चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यही दोस्तों, इसे ही हम व्यंजक कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं मेरे भाई, हम व्यंजक कहते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा दोस्तों आज, कोणीय, सॉरी अभिकेंद्रीय त्वरण और उसका व्यंजक या उसका सूत्र, तो ये आपके ऑब्जेक्ट में सूत्र पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी टाइप की भी नहीं होगी मेरे भाई। आगे हम बढ़ते हैं तो दोस्तों, अब हम दो आपको है ना अभिकेंद्रीय बल के बारे में बता देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपको बता देते हैं, बहुत आसान रहेगा दोस्तों, आपको समझाएंगे हम तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, टेंशन मत लेना दोस्तों। जैसा कि हम क्रम से पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं ऊपर, हम जो बता चुका है, देखो केवल समझने के लिए एग्जाम में क्या लिखना है, मतलब ये आपके कॉपी में क्या थ्योरी लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे, केवल अभी आप समझा रहे हैं। देखो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि जब कोई कण या फिर कोई पिंड एक समान वेग से आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो उस पर अभिकेंद्रीय त्वरण लगता है, बिल्कुल निश्चित सी बात है मेरे भाई, निश्चित सी बात है कि जब कोई पिंड एक समान चाल से आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उस पर अभिकेंद्रीय त्वरण लगता है, यही तो हमने पढ़ा, क्योंकि वृत्तीय गति में वेग की दिशा जो है ना लगातार परिवर्तित होती है, जिसके कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है और वो त्वरण केंद्र की ओर होता है जिसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, यही तो हमने पढ़ा, जिसका परिमाण वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, बिल्कुल जिसका परिमाण बल जो अभिकेंद्रीय त्वरण है वी स्क्वायर अपॉन आर होता है वो, यही तो हमने सूत्र अभी जस्ट निकाला ना मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु त्वरण की दिशा लगातार बदलती रहती है, बिल्कुल मेरे भाई, देखिए मान के चलो ये आपका व्रत है, ये आपका क्या है, व्रत है, ठीक है, ये इसका केंद्र, कोई कण इसके ये जो है ना केंद्र इसके अनुदिश गति कर रहा है, तो यहाँ पर जो वेग की दिशा क्या है ये है, तो त्वरण की दिशा ये होगी, होगी कि नहीं, यहाँ पर वेग की दिशा ये है तो त्वरण की दिशा ये होगी, यहाँ पर वेग की दिशा ये है तो त्वरण की दिशा ये होगी, यहाँ पर वेग की दिशा ये है तो त्वरण की दिशा क्या होगी, ये होगी, क्योंकि वेग परिवर्तन के कारण क्या आएगा, त्वरण आएगा, और त्वरण वो कहाँ की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है, हमने अभी तो सीखा, मतलब त्वरण की दिशा भी देखो, वेग परिवर्तन के साथ त्वरण की दिशा भी देखो परिवर्तित हो रही है, ठीक है ना, हाँ तो लगातार बदलती रहती है, त्वरण की दिशा भी लगातार क्या होगी, बदलती रहेगी, समझ रहे ना, इतना समझ गए ना, ये हमने पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी कण वृत्तीय गति करता है तो अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है और ये त्वरण जो है ना परिवर्तित होता है, इसकी दिशा जो है ना परिवर्तित होती रहती है, ये जानते हो, अब त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, परिवर्तित तो होती है लेकिन सदैव कहाँ की ओर होती है, केंद्र, देखो इसकी दिशा अलग है लेकिन कहाँ की ओर है, केंद्र, इसकी दिशा भी अलग है लेकिन कहाँ की ओर है, केंद्र की ओर, इसकी दिशा भी अलग है लेकिन कहाँ की ओर है, केंद्र की ओर, प्रत्येक की दिशा जो है ना अलग अलग तो है लेकिन कहाँ की ओर है, केंद्र की ओर होती है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार क्या है, न्यूटन के नियम के अनुसार देखो, न्यूटन हमने पढ़ा था, न्यूटन के तीनों नियम पढ़े हैं, तो न्यूटन के नियम के अनुसार किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न करने के लिए त्वरण की दिशा में ही बल आवश्यक होता है, अगर यहाँ पर इसमें त्वरण जो लग रहा है, त्वरण इसमें उत्पन्न हो रहा है तो त्वरण के लिए आवश्यक है कि इसी की दिशा में क्या लगे, एक बल लगे, जैसे मान के चलो ये जो पिंड है इस पर इस दिशा में क्या लग रहा है, त्वरण, इस दिशा में क्या हो रहा है, उत्पन्न त्वरण, लेकिन ये त्वरण उत्पन्न होने के लिए इसमें आवश्यक है कि इसी दिशा में क्या लगे, बल लगे, बिल्कुल मेरे भाई आवश्यक है कि उसी दिशा में क्या लगे, बल लगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कण की वृत्तीय मार्ग में गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर
देखो वृत्तीय जो मार्ग है, वृत्तीय मार्ग में जो है ना गति बनाए रखने के लिए, कंटिन्यू वो कोई भी पिंड है ना गति बनाए रखे, उसके लिए जरूरी है कि केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है, इसे ही हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो मतलब एक बार फिर से पढ़ लो, कण की वृत्तीय मार्ग में गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, किसी टाइप की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो बिल्कुल हमें तुरंत बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को, क्या याद रखोगे कि अगर देखो एक बार और समझा रहा हूं, जब कोई कण किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो उसमें वेग का परिणाम समान रहता है, लेकिन वेग की दिशा हमेशा परिवर्तित होती है। और हमेशा परिवर्तित होती है तो वेग परिवर्तन के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा कहाँ की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है ना। लेकिन ये त्वरण उत्पन्न होने के लिए आवश्यक है कि उस पे क्या लगता है, बल। क्या लगता है? बल लगता है, क्योंकि बल के कारण ही त्वरण उत्पन्न होता है। तो जो त्वरण उत्पन्न करने के लिए जो बल लगता है केंद्र की ओर, वो ही बल हमारा क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल। तो यहां से यहां तक आपको परिभाषा लिखना है, बाकी ये चीजें तो हमने समझाई हैं आपको। आई होप कि आप समझे होंगे इस बात को, ठीक है, क्या बताया है ना। अब आगे समझो, यदि वृत्त की परिधि पर गति करने वाले कण का द्रव्यमान हम मान लेते हैं स्मॉल एम है, तो न्यूटन के गति के अनुसार बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये सूत्र ही होता है। तो हम बल जो कौन सा है, अभिकेंद्रीय बल, तो बल की जगह अभिकेंद्रीय बल, द्रव्यमान सेम रहेगा, त्वरण की जगह कौन सा त्वरण होगा हमारा, अभिकेंद्रीय त्वरण, तो अभिकेंद्रीय बल एफ ही होगा, है ना। द्रव्यमान क्या होगा, एम। द्रव्यमान क्या होगा, एम, ठीक है। अब त्वरण क्या होता है, एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसके बाद हम इसको आगे इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। चलो इसको हम हटाते हैं और थोड़ा सा, एक सेकंड मेरे भाई, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा इसको, है ना। आगे हम एडजस्ट इसको करा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक सेकंड रुक जाना, बस आपका काम कंप्लीट करा देंगे हम, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या है, एक सेकंड, हाँ, अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या है मेरे भाई, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो अभिकेंद्रीय बल को हम किससे व्यक्त करेंगे, एफ से, तो ये रहा एफ। अब द्रव्यमान क्या होता है, एम, तो ये रहा एम, है ना। अब त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, तो त्वरण क्या होता है, तो त्वरण हमारा क्या है, ए सी है। त्वरण हमारा क्या है, ए सी, क्योंकि अभिकेंद्रीय त्वरण है तो हमारा क्या होगा, ए सी होगा। अब यहाँ पर देखो, एफ ये रहा, है ना, एम ये रहा, और ए सी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ए सी बराबर हमने सूत्र निकाला था, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, यही हो तो होता है त्वरण। तो ए सी की जगह हम क्या रख देंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एफ का ये सूत्र हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये अभिकेंद्रीय बल है, जो आप कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो आज के बाद जो है ना आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, ये आपका ये सूत्र होता है, ठीक है। या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हो, भी बराबर आप ओमेगा आर रख सकते हो, क्योंकि हमने कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध बताया था ना, तो ये होता है। तो अब यदि जो भी है इसकी वैल्यू रख देंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये तो एम रहेगा, है ना। भी की जगह क्या रख देंगे, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में ये आर है, आर से आर कैंसिल, तो एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये सूत्र बनेगा। बट एफ सूत्र की काम नहीं आता, हमें केवल इस सूत्र की आवश्यकता है। तो एफ बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। क्लियर हुआ दोस्तों, थोड़ा सा हम कंजूसी में चला रहे हैं आपका ये काम, बाकी ऐसा है कि समझा हमने आपको पूरा दिया है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।